महाभारत का भयंकर युद्ध, कुरुक्षेत्र में पांडवों और कौरवों का महासंग्राम। पांच पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेना और श्री कृष्ण, दूसरी ओर कौरवों के साथ 11 अक्षौहिणी सेना। महाभारत का जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि आज की कहानी है हारे का सहारा, शीश दानी बाबा श्याम की। हिंदू मान्यताओं के अनुसार फागुन के महीने की एकम तिथि से लेकर 12 यानी द्वादशी तिथि तक कुल 12 दिन खाटू श्याम जी के मंदिर में दिव्य मेला लगता है। हजारों की तादाद में भक्त श्याम बाबा के दर्शन करने आते हैं। अपनी कड़ी को फिर से जोड़ते हैं और आपको महाभारत का वो पूरा किस्सा सुनाते हैं जब श्री कृष्ण को दान में खाटू श्याम जी ने अपना शीश दिया। इस त्याग से खुश होकर श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में उन्हें श्याम यानी श्री कृष्ण के ही दूसरे नाम से पूजा जाएगा। क्या है ये पूरा किस्सा और खाटू श्याम जी का ये मंदिर पूरे विश्व भर में क्यों प्रसिद्ध है, आइए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, पांच पांडवों में से सबसे शक्तिशाली थे भीम। भीम का विवाह हिडिंबा से हुआ था, उनके पुत्र का नाम था घटोत्कच। घटोत्कच का विवाह अहिल्यावती से हुआ, उनके सबसे बड़े पुत्र का नाम था बर्बरीक। अब कहानी को जरा गौर से सुनिए। जिन्हें आज कलयुग में बाबा श्याम के नाम से पूजा जाता है वो और कोई नहीं महाभारत के बर्बरीक है। बर्बरीक की माँ अहिल्यावती ने उन्हें हारने वाले की मदद करने की सीख दी थी। माना जाता है कि बर्बरीक अगर किसी हारने वाले की मदद करते तो उनकी जीत निश्चित हो जाती। महाभारत के युद्ध के दौरान जब पांडव जीत की ओर अग्रसर हो रहे थे और एक एक करके जब कौरवों की सेना के वीर योद्धा भी मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे तो बर्बरीक ने कौरवों के पक्ष में रहकर युद्ध में भाग लेने का निर्णय लिया। श्री कृष्ण जानते थे यदि बर्बरीक ने ऐसा किया तो युद्ध पूरा पलट जाएगा। इसी के चलते श्री कृष्ण ब्राह्मण का रूप धारण कर पीपल के पेड़ के नीचे बर्बरीक से मिलने पहुंचे। बर्बरीक के पास महादेव से मिले ऐसे 3 बाण थे जिससे पूरा युद्ध एक ही बार में समाप्त हो सकता था। श्री कृष्ण ने उन्हें परखने के लिए उनसे कहा कि यदि पीपल के पेड़ पर लगे पत्ते एक विशाल सेना की तरह है तो क्या बर्बरीक का केवल एक तीर उन सभी पत्तों को भेद सकता है। इस बीच श्री कृष्ण ने एक पत्ते को अपने पांव के नीचे दबा लिया। बर्बरीक का ये शक्तिशाली बाण पेड़ पर लगे सभी पत्तों को भेद कर श्री कृष्ण के चरणों के पास आकर रुका। तो बर्बरीक ने उनसे कहा कि एक पत्ता अभी भी उनके पांव के नीचे है। बस फिर क्या था, श्री कृष्ण समझ गए कि उनकी इस चाल के आगे बर्बरीक के बाण पूरी तरह से खरे उतरे हैं और यदि बर्बरीक इस युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़ते हैं तो अधर्म की जीत हो सकती है और ये समय धर्म और नियति के विपरीत होगा। अब जिस युद्ध में स्वयं नारायण श्री कृष्ण रूप में हो तो जीत तो धर्म की ही होगी। ब्राह्मण रूप में श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनका शीश दान में मांग लिया। बर्बरीक युद्ध में हिस्सा लेना चाहते थे लेकिन श्री कृष्ण की इस चाल ने उन्हें संकट में डाल दिया और बर्बरीक ने ब्राह्मण रूप में आए श्री कृष्ण को शीश दान में दे दिया। प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया किया कि कलयुग में उन्हें श्री कृष्ण के नाम से पूजा जाएगा। मान्यता है कि बाबा श्याम की भक्ति हारने वाले का सहारा है, इसलिए उन्हें हारे का सहारा भी कहा जाता है। राजस्थान के सीकर जिले में एक खाटू नाम का गाँव है। यहाँ खाटू श्याम जी का एक भव्य मंदिर है। यही वो मंदिर है जहाँ उनके शीश की स्थापना की गई। श्री कृष्ण को अपना शीश दान में देने के वजह से बाबा श्याम को शीश दानी भी कहा जाने लगा। देख सकते हैं आप, भीड़, भक्तों की भीड़ यहाँ पहुँच रही है। ये बाबा श्याम का ये वो मंडप द्वार है जो बिल्कुल इंडिया गेट की थीम पर सजाया गया है। आज 5वां दिन है, भीड़ 3 लाइनों के माध्यम से भक्तों की जो दर्शन हो रहे हैं यहाँ पे, और 21 तारीख तक यहाँ समापन मेला होगा। 20 तारीख को मुख्य मेला है, बाबा श्याम का मुख्य मेला 20 तारीख को है। अभी फिलहाल जो भक्तों की तादाद है 14 लाइन में दर्शन होते हैं, लेकिन अभी 3 लाइन खोल रखी है। भक्तों की संख्या फिलहाल कम है लेकिन जैसे जैसे शाम होगी वैसे वैसे भक्तों की तादाद बढ़ती जाएगी। फागुन मास का ये समय भक्तों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं। रींगस से खाटू के रास्ते पर जहाँ तक नजर जाती है वहीं तक बाबा श्याम के रंग रंगीले निशान और सतरंगी पोशाकों में श्याम भक्तों की टोलियां नाचते गाते धूम मचाती है। सीकर से राहुल की रिपोर्ट।